ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका क्या है माइक बंद कर दो ताकि हम क्या करेंगे ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, फिर आपको कहाँ पे मिल जाएगा ना, यूट्यूब में मिल जाएगा, जो एब्सेंट है वहाँ से क्या कर सकते हो ना देख सकते हो, सेम ही वीडियो मिलेगा ठीक है। और सबका माइक बंद कर दो क्योंकि ना ये भी नॉइज़ रिकॉर्ड हो जाएगा और क्या होगा, और आपका भी जो यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड करूँगा वहाँ पर भी क्या होगा, आपका नॉइज़ आएगा ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो लेसन 3 ठीक है, लेसन 3 पेज नंबर आपका 28 है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कल मैं थोड़ा बहुत आपको बताया था ओवरऑली, क्यों ना कल स्टार्टिंग क्लास था और मैं मतलब पढ़ा नहीं था, बस ऐसे बता रहा था कि ये एक्सेल होता है, एक्सेल में क्या काम करते हैं ठीक है। आज हम आपका बुक के रिलेटेड क्या करेंगे ना पूरा कवर करेंगे ठीक है। लेसन 3 आपका जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो इंट्रोडक्शन में आपको लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टू एंटर न्यूमेरिकल वैल्यूज और डाटा इनटू रो एंड कलम ठीक है। ये क्या करता है ना, सपोज मैं क्या करूँगा ना आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे देखो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन किया हूँ ठीक है। इसमें क्या होता है ना, हम सारे सारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू एंटर न्यूमेरिकल वैल्यूज और डाटा इनटू रो एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे देखो जो ए मैं कल बताया था ए बी सी डी ये सारे सारे जो है ये क्या होता है ना आपका कॉलम्स होते हैं, सेम ही आपका जो हो गया 1 2 3 ये सब जो दिया है ये रो है। हम क्या करते हैं ना न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मतलब सारे सारे जो नंबर्स होते हैं ये सारे सारे क्या होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, और आपका क्या होता है ना डाटा जो दिया है, डाटा मतलब मैं सपोज मेरा नाम लिखूँगा ठीक है मोहनजीत, ऐसे हम क्या कर सकते हैं ना बहुत इसमें क्या कर सकते हैं ना न्यूमेरिकल वैल्यू और हमारा जो डाटा है इसके अंदर लिख सकते हैं। बट क्या है रो एंड कॉलम वाइज, देखो मैं अभी जो अरेंज किया हूँ ये क्या है रो वाइज हुआ और दो कॉलम है सी और डी कॉलम में मैं डाटा एंट्री किया हूँ, समझ में यहाँ तक ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टू एंटर न्यूमेरिकल वैल्यूज और डाटा इनटू रो एंड कॉलम वाइज। इसमें जो भी डाटा आप एंट्री करोगे आइदर रो वाइज करोगे नहीं तो कॉलम वाइज करोगे, बट रो एंड कॉलम ऑल्सो भी कर सकते हो ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सपोज मोहनजीत 1 लिखा था, फिर लिखूँगा मोहनजीत 2 और यहाँ पे कुछ डाटा भी लिख दूंगा ठीक है, और सारे सारे जो भी डाटा इसमें लिखोगे वो कैसे होगा ना आपका रो एंड कॉलम वाइज होगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ओके यस सर। हाँ उसके बाद हाँ बोलना, उसके बाद बंद कर देना आपका स्पीकर ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है ना, उसके बाद आता है कि स्प्रेडशीट ठीक है। इसको क्यों स्प्रेडशीट बोला जाता है ना, स्प्रेडशीट इज़ ए प्रोग्राम दैट अलाउज ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन क्लियर एंड कॉन्साइज मैनर। स्प्रेडशीट इसको बोलते हैं जिसमें आप क्या करते हो ना जो भी सारे सारे डाटा या रिकॉर्ड को आप क्या करते हो ना कॉन्साइज मैनर, कॉन्साइज मैनर मतलब होता है कि कोई भी आपका डाटा देखेगा क्या करेगा ना अच्छा से समझ जाएगा, उसको कॉन्साइज मैनर बोलते हैं, उसको समझाने के लिए नहीं पड़ेगा जैसे, समझ में आ। उसके बाद आता है प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर, द स्प्रेडशीट कंटेंस रो एंड कॉलम्स इन व्हिच एनी डाटा कैन बी एंटर्ड। इसमें क्या होता है ना स्प्रेडशीट के अंदर आपका क्या होता है रो होता है और कॉलम होता है, और इसमें जो डाटा एंट्री करोगे क्या करोगे ना आइदर रो वाइज करोगे नहीं तो कॉलम वाइज करोगे, और बहुत रो एंड कॉलम वाइज भी कर सकते हो। दीज रो एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल्स। ये जो है रो, ये सारे सारे जो है रो एंड कॉलम, इसको हम मैं कल बताया था ये सारे सारे एक एक क्या है सेल है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक एक क्या होता है ना सेल, जब बहुत सारा सेल्स क्या हो जाएगा ना मिल जाएगा रो एंड कॉलम वाइज, जब बहुत सारा सेल को हम मिला देंगे आपका क्या बन जाएगा ना टेबल बन जाएगा, मैं कल बताया था इसको। तो क्या होता है ना जब बहुत सारा रो एंड कॉलम को बहुत सारे सेल को हम क्या करेंगे ना अरेंज कर देंगे ये आपका क्या बन जाएगा ना टेबल बन जाएगा, ये एक एक सेल होता है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, मैं कलर करके आपको दिखाता हूँ क्या सेल है ठीक है। ये जो फिलअप हो गया ये एक भी सेल है, और यहाँ पे मैं फिलअप करूँगा ये भी एक सेल है, एक सेल है। जब हम क्या करेंगे ना सेल को सारे सारे एक कॉन्साइज मैनर में अरेंज कर देंगे रो या कॉलम वाइज आपका क्या बन जाएगा ना टेबल बन जाएगा, जब टेबल बन जाएगा हम क्या करते हैं ना उसमें डाटा को एंटर करते हैं। यू कैन एंटर एनी टाइप ऑफ डाटा इन द सेल, यहाँ पे क्या होता है एनी टाइप ऑफ डाटा, देखो मैं क्या कर सकता हूँ नंबर भी लिख सकता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिखूँगा एम लिखूँगा, अल्फ़ाबेट भी लिख दिया, नंबर भी लिख दिया 1 लिख दिया, फिर क्या करूँगा ना एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर भी लिख दिया ठीक है, और क्या कर सकता हूँ
ना यहाँ पे भी कोई भी वीडियो का शॉर्टकट भी आप ऐड कर सकते हो, कोई भी पीडीएफ का शॉर्टकट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसीलिए क्या बोलते हैं ना इसको, यहाँ पे हम एनी टाइप ऑफ डाटा को एंट्री कर सकते हैं। द डाटा कैन बी ऑफ लेबल वैल्यूज फार्मूला एंड फंक्शंस एनी टाइप। सपोज मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करूँगा, इक्वल टू लिखूँगा, ठीक है, इक्वल टू देखे सम लिख देता हूँ, SUM सम ब्रैकेट दे दूंगा मैं। सपोज J1 to J5 तक जो भी डाटा लिखूंगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना J1, ठीक है, इस टू क्या कर दूंगा ना J5, और उसके बाद क्या करूँगा ना ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। देखो यहाँ पे मैं जो भी डाटा लिखूंगा, यहाँ पे जो जीरो है ये क्या हो जाएगा ना ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या हो रहा है ना, ये क्या होता है ना, फार्मूलाज होते हैं ऐसे ही बहुत सारे फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, आप कुछ भी क्या कर सकते हो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हो। क्यों ना, एमएस एक्सेल में प्री डिफाइंड फार्मूला है, ओनली आपको क्या करना पड़ेगा, एलोकेशन करना पड़ेगा। जब एलोकेशन कर दोगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ना, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद होता है यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल, हम एमएस एक्सेल को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। किसका माइक बंद करो, आदित्य आपका स्पीकर बंद करो, स्पीकर बंद करो, सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल, हम एमएस एक्सेल को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसको इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला जाता है ना, ये कंप्यूटर के अंदर है, सब कॉपी है, ठीक है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक। आप इसको ईमेल के थ्रू में भी भेज सकते हो और हार्ड कॉपी के थ्रू में भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। डाटा इन्फॉर्मेशन इट हेल्प्स टू कैलकुलेट मैनिपुलेट एंड एनालाइज नंबर्स, यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और कोई भी नंबर को एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन ये सब हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट के थ्रू में भी कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे यूज होता है ना, वन ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो सारे सारे नंबर या सपोज, हाँ मिक्स टाइप का है, मैं इसको क्या करूँगा ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सपोज छोटा से बड़ा सारे सारे डाटा को करूँगा, क्या करना है पहले मैं सिलेक्ट कर दूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जाऊँगा फिल्टर में, तो छोटा से बड़ा करना है तो ए टू जेड मरना है, बड़ा से छोटा करोगे तो क्या करना है जेड टू ए करना पड़ेगा। यहाँ पे जेड टू ए कर दूंगा, सारे सारे नंबर मेरा क्या हो जाएगा ना बड़ा से छोटा हो गया, देखो 15 पहले चला गया और ये हो गया। फिर सपोज मैं छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या करूँगा ए टू जेड करूँगा, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा इधर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, तो क्या करना है पहले डाटा को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो डाटा को आप अरेंज करने नहीं तो वो कॉलम को सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, यहाँ पे देखो सॉर्ट एंड फिल्टर जो लिखा है वहाँ पे जाओगे, उसके बाद A to Z मतलब क्या होगा ना छोटा से बड़ा, स्मॉलर टू लार्जेस्ट होगा, और Z to A मतलब क्या होगा ना लार्जर टू स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। मैं सपोज A to Z करूँगा, A to Z इसको सिलेक्ट कर दूँगा, सारे सारे डाटा देखो A to Z मतलब छोटा से बड़ा हो गया। सपोज मैं सेमी डाटा को क्या करूँगा ना बड़ा से छोटा करूँगा, सेमी सिलेक्ट करूँगा, देन सॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊँगा, देन इसको क्या करूँगा Z to A कर दूँगा, तो अभी क्या हो गया ना मेरा जो डाटा है बड़ा से छोटा हो गया, इसको क्या बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजिंग डाटा, समझ में आ। उसके बाद यूजिंग नंबर, हम क्या कर सकते हैं इसमें नंबर, ये सारे सारे मैं नंबर भी यूज कर सकता हूँ। इन MS Excel यू कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस एट वेरी हाई स्पीड जस्ट यूजिंग बिल्ट इन फार्मूलाज, यहाँ पे जैसे मैं क्या किया कोई भी नंबर, यहाँ पे जितना बड़ा भी नंबर मैं लिखूंगा वो कट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो फार्मूला मैं लिख दिया हूँ बहुत फास्ट भी हो गया, यहाँ पे जितना स्पीड टाइप करोगे वहाँ पे उतना स्पीड क्या हो जाएगा आपका डाटा सारे सारे ऐड हो जाएगा, समझ में आ। उसके बाद आता है फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सेल प्रोवाइड्स वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस थ्रू व्हिच यू कैन परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वेरी क्विकली एफिशिएंटली एंड इजीली। यहाँ पे भी बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे स्मॉलर देन ग्रेटर देन आप सपोज करना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है, हाँ उसके बाद ये था आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ
ये आपका था कि इंट्रोडक्शन टू क्या था एमएस एक्सेल। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल। मैं अभी आपको बताऊंगा आप कैसे एमएस एक्सेल को ओपन करना है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए मैं कल दो प्रोसेस बताया था, ठीक है। आपके पास सपोज विंडोज 10 होगा, क्या विंडोज 10 होगा, आप डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल सर्च करना है। क्या सर्च करना है, एक्सेल, EXCEL, ठीक है। जब एक्सेल सर्च करोगे तो क्या हो जाएगा ना, आपका यहाँ पे एक्सेल शो करेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर जब क्लिक करोगे आपका क्या हो जाएगा ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये तो आपका है क्या है ना, विंडोज 10 में डायरेक्ट मेथड है, सर्च करोगे उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। और एक प्रोसेस होता है कि जो आपका बुक में दिया है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखो आपका बुक के हिसाब से स्टेप वन में क्लिक ऑन स्टार्ट बटन है। अभी मेरा जो पॉइंटर है कहाँ पे, स्टार्ट के ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा ना, स्टार्ट बटन को क्लिक करूँगा। जब स्टार्ट बटन को क्लिक करता हूँ उसके बाद मेरा क्या हो जाता है ना, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम आ जाता है। ऑल प्रोग्राम आने के बाद सेकेंड स्टेप में मैं कहाँ पर जाऊँगा ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, तो इसको मैं क्लिक करना है, ठीक है। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को क्लिक करोगे उसके अंदर जितने सारे सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपका वर्ड हो गया, वन नोट हो गया, आउटलुक हो गया, और एक्सेल हो गया, एसेस हो गया, तो ये सारे सारे सॉफ्टवेयर क्या करेगा ना, यहाँ पे शो करेगा। हमको क्या है, एक्सेल ओपन करना है, तो यहाँ पे देखो एक्सेल 2013 लिखा है। मैं क्या करूँगा ना, एक्सेल के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। जब एक्सेल के ऊपर क्लिक करूँगा ना क्या हो जाएगा ना, मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। यह है आप सेकेंड प्रोसेस। ठीक है, दो तरह, एक इधर क्या कर सकते हो ना, डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करके कर सकते हो, और सेकेंड प्रोसेस क्या, पहले स्टार्ट बटन में जाना, देन ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 को क्लिक करना है, ठीक है। आपका 10 होगा तो कोई कोई सिस्टम में 10 भी होता है, कोई कोई सिस्टम में 9 होता है, कोई कोई सिस्टम में, जैसे मेरा सिस्टम में क्या था, 13 था, ठीक है। ये मेरा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 का है। ठीक है, ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 है, ठीक है। ये आपका क्या है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 है। उसके बाद ये ओपन होने के बाद मैं सारे सारे आपको बताया था कल, जो बताया था सारे सारे एक्सेल पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 विंडोज। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का विंडोज ओपन हो गया। इसमें बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसे यहाँ पे जो H4 लिखा है, H4 जो लिखा है उसको हम क्या बोलेंगे ना, नेम बॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे ना, नेम बॉक्स। और यहाँ पे ये जो रहता है, ठीक है, यहाँ पे मैं जो मेरा क्रसर ले आया, ये जो GS जो लिखा, ये आपका क्या होता है ना, फार्मूला बार होता है। क्या होता है ना, फार्मूला बार, सेमी आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सब जो है एडिटिंग, ये सब आपका किसके अंदर में जाएगा ना, रिबन के अंदर जाएगा, ठीक है। इसको सारे सारे क्या बोलते हैं, रिबन्स बोलते हैं। और उसके बाद आपका आता है सेल पॉइंटर। हम जहाँ पे ये जो सारे सारे सिलेक्ट करते हैं, ये अभी जैसे मैं जहाँ पे सिलेक्ट किया, ये क्या बोलूँगा ना, सेल पॉइंटर्स। फिर डी सेल में सपोज सिलेक्ट करूँगा, ये क्या है, सेल पॉइंटर है। और ABCDEFGH ये सब जो लिखा है, ये सारे सारे अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, ये आपका क्या होता है ना, कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं ना, कॉलम्स होते हैं। सेम ही आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो सारे सारे लिखा है, ये क्या होता है ना, आपका सारे सारे रोज़ होते हैं। क्या होते हैं ना, रोज़। उसके बाद मैं बताया था कल, सपोज आपको बहुत सारा डाटा देखना है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, दो स्क्रॉल बार्स होते हैं। क्या होते हैं ना, स्क्रॉल बार्स होते हैं। ये देखिए, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है, और इसको हम क्या बोलते हैं ना, वर्टिकल स्क्रॉल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है ना, वर्टिकल स्क्रॉल, ऊपर नीचे करने के लिए ये यूज होता है। ये था। उसके बाद रेंज ऑफ सेल, मैं जो सिलेक्ट कर देता हूँ उसको क्या बोलूँगा ना, रेंज ऑफ सेल। जितना सिलेक्ट करूँगा उसको मैं क्या बोलूँगा ना, रेंज ऑफ द सेल बोलूँगा, ठीक है, यहाँ तक। और आपका आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है ना, आप यहाँ पे जैसे ऑनडोर टाइपिंग, ठीक है, ऑनडोर जब करोगे क्या होगा ना, एक एक बैग जाएगा। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे, इससे पहले क्या कहते हैं एक एक बैग जाएगा। सेमी रीडो जब करोगे आगे जाओगे, सपोज बैग में चला गया हो, फिर आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, रीडो करना पड़ेगा। ये कहाँ पे आपको मिलेगा ना, क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो टॉप कॉर्नर में जो दिया है मेरा पॉइंटर, जहाँ पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सपोज रीडो करूँगा, यहाँ पे जो टाइप किया था वो फिर आ जाएगा, ठीक है। रीडो करोगे तो आगे वाला आएगा, और अंडर करोगे तो पीछे चला जाओगे, ठीक है।
उसके बाद आता है टाइटल बार। टाइटल बार का किसको बोलते हैं ना, आपका जो स्प्रेडशीट का जो नेम रहता है उसको टाइटल बार बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बुक एक्सेल, बुक एक्सेल लिखा है ना, बुक एक्सेल प्रोडक्शन एक्टिवेशन फेल्ड, तो ये होता है क्या होता है ना, मेरा टाइटल बार है। कोई भी स्प्रेडशीट का जो नेम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, टाइटल बार बोलते हैं। कोई भी स्प्रेडशीट का जो नेम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद वर्कबुक, जिसके अंदर आप क्या करोगे ना, आपका डाटा एंट्री करोगे। ये जो है, ये टोटल जो ये जो स्प्रेडशीट है उसको मैं क्या बोलूँगा ना, मेरा वर्कबुक बोलूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा ना, मेरा सारे सारे डाटा को यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है। उसके बाद रिबन तो बता दिया, रो एंड कलम बताया, सेल बताया, सेल एड्रेस और उसके बाद आता है नेम बॉक्स, फार्मूला बार, सेल पॉइंटर। ओके, यहाँ तक और किसी को कुछ डाउट्स है तो मेरे को पूछो। किसी क्या मैं बताया आपको, सारे सारे कोई कैसे स्टूल बार, टाइटल बार, वर्कबुक, वर्कशीट, रिबन, रॉ, कलम, सेल, ये सब बताया कि नहीं, और कैसे आप ओपन करना है उसको बताया, हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये बताया, ठीक है। और आपका इंट्रोडक्शन में इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे आपका स्प्रेडशीट के अंदर ऑर्गेनाइज डाटा, आप सब सारे सारे डाटा को जो लिखे हो आपका वर्कबुक में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज करके रख सकते हो। उसके बाद यूजिंग नंबर्स, हम स्प्रेडशीट के अंदर क्या कर सकते हैं, नंबर भी यूज कर सकते हैं और आपका अल्फ़ाबेट्स भी सारे सारे यूज कर सकते हैं, और फंक्शंस जैसे एट द रेट, और फंक्शन के अंदर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे सारे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अंडो सपोज देखो, मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारा कुछ टाइप किया हूँ, ठीक है। मेरे को क्या है ना, इसको डिलीट करने के बजाय मैं क्या करूँगा ना, इसको डायरेक्ट मेरे को मिटाना है, ठीक है। इससे पहले जो काम किया था डायरेक्ट मिटाना है, मैं क्या करूँगा ना, अंडो कर दूंगा, ठीक है। बैकस्पेस मार के तो डिलीट कर सकते हो, जब अंडो कर दोगे क्या होगा ना, एक पीछे चला जाओगे, फिर जब रीडो करोगे फिर एक आगे आ जाओगे। इसमें क्या होता है ना, डिलीट जब कर दोगे क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। सपोज भी मैं भी कोई भी डाटा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी डाटा डिलीट कर देता हूँ, जब डिलीट कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, जब अंडो करूँगा, ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा ना, मेरा फिर वो डाटा क्या होगा ना, आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं जो डिलीट किया था वो फिर आ गया कि नहीं। सपोज मैं अभी यहाँ पे कुछ डाटा को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये जो GGBB लिखा हूँ उसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है, डिलीट कर दिया। अभी फिर मेरे को वो डाटा क्या टाइप किया था मेरे को सपोज याद नहीं है, मैं क्या करूँगा ना, एक पीछे चला जाऊँगा, इससे पीछे मैं क्या किया था, तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z, नहीं तो यहाँ पे पॉइंटर लेके आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं Ctrl+Z जब प्रेस करूँगा, ये जो डाटा लिखा गया था वो क्या है, वापस आ गया, समझ में आया। फिर मैं सपोज ये डाटा को नहीं चाहता हूँ, नहीं मैं इससे पीछे जो था उसको जाना है, तो क्या कर दूँगा, रीडो कर दूँगा, ठीक है, जब रीडो कर दूँगा फिर आगे वाला डाटा आ जाएगा जैसे पहले था, समझ में आया दिव्या ज्योति। ओके, और बताओ, कोई मेरे को बताओ, हाउ टू स्टार्ट अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हम कैसे स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे सर दबाएंगे, गुड स्टॉप। देखो यहाँ पे फिर हम जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं, यहाँ पे देखो आपका क्या आता है ना, एक ब्लैंक पेज आता है और एक क्या आता है, टेम्पलेट पेज आता है। टेम्पलेट पेज में क्या होता है ना, ऑलरेडी कोई ना कोई एक फॉर्मेट रहता है, आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसमें ओनली थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। लेकिन जो ब्लैंक पेज लोग है उसमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको खुद ही डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। सपोज मैं आपको ब्लैंक पेज लेके दिखाया हूँ, अभी क्या दिखाऊंगा ना, टेम्पलेट वाला दिखाऊंगा, ठीक है, टेम्पलेट वाला। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट सपोज सिलेक्ट किया हूँ, टेम्पलेट में मैं कैलेंडर लिया हूँ, वहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आपका जो आएगा वो कैलेंडर फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, आपका जो स्प्रेडशीट आएगा वो कैलेंडर फॉर्मेट में आएगा। आपको कोई भी ईयर में सपोज कैलेंडर बनाना है, यहाँ से आसानी से बना सकते हो। जैसे 2021 लिखा है, सपोज मैं 2022 करूँगा, क्या यहाँ पे सपोज, हाँ यहाँ पे सपोज मैं बोल रहा हूँ, आप ईयर सपोज चेंज करना चाहते हो, ठीक है,
ये मैं एक क्या सिलेक्ट किया ना, टेम्पलेट सिलेक्ट किया। देखो जब आप एक्सेल स्टार्ट करते हो, मैं क्या बताया, जब आप एक्सेल को स्टार्ट करोगे, एक्सेल सपोज में स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ना एक ब्लैंक पेज रहता है। ब्लैंक पेज में क्या होगा ना, आप खुद का डिज़ाइन खुद बनाओगे। सपोज आप टेम्पलेट से लेते हो, वहाँ पे क्या होता है ना, पहले से एक फॉर्मेट बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, ओनली डाटा को चेंज करना पड़ेगा। जैसे सीजन फोटो कैलेंडर्स होते हैं, सीजनल और सारे सारे होते हैं, मंथ्स क्या इसको ऑनली डायरेक्ट आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, आपको पूरा क्या है फॉर्मेट मिल जाएगा। फॉर्मेट मतलब ऑलरेडी बना हुआ एक मिल जाएगा आपको, जिसके क्या चेंज। देखो एडिट ऑप्शन आएगा ना, सपोज ये जो है, इसको सपोज मैं सीजन ए वाला क्रिएट करूँगा, ठीक है। सपोज मैं सीजन का एक बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो सीजन का कैलेंडर आ गया, यहाँ पे चेंजेस जहाँ पे करना है वहाँ पे डबल क्लिक कर देना, ठीक है। डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जा रहा है, और एडिट करना है आपको जो चेंजेस करना है, ठीक है। आप एडिट करोगे तो हो जाएगा, क्रसर आ जा रहा है ना, तो एडिट करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। टेम्पलेट में क्या होता है, पहले से एक ऑलरेडी फॉर्मेट होता है, ओनली आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्प्रिंग आता है आपका, मार्च महीना में क्या आता है स्प्रिंग, देन अप्रैल मई जून तक स्प्रिंग रहता है, फिर समर सीजन आता है, ठीक है। समर अभी जैसे चल रहा है समर, फिर क्या है, ऐसे ही आपको क्या सारे सारे चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछो। ओके हम अभी स्टॉप करते हैं। हाँ ब्लैंक बताओ। ओके ओके वेट वेट मैं ओपन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ मैं ब्लैंक पेज ओपन किया। अब उसके बाद आप क्या बोल रहे थे, नेम बॉक्स पे H3D4 ऐसे आने से क्या होता है? वो कुछ नहीं, आप जितना यहाँ पे जितना सीट ओपन किया हो ना, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, नेम शो करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब मेरा बहुत सारे यहाँ पे टैब में खुल के रखा हूँ ना, तो इसीलिए A1 A2 A3 ऐसे ही, सॉरी A B C D ऐसे आता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, आप सपोज एक ही खोलोगे वहाँ पे A1 हो जाएगा, जब दो खोलोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जो है ना नेम बॉक्स, देखो ये जो सेल है ना, सेल का एड्रेस शो करता है, देखो ये क्या है C2 है, और यहाँ पे सपोज सिलेक्ट करूँगा ये क्या है आपका B4 है, समझ में। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ये क्या हो गया C6 हो गया, मतलब सेल का एड्रेस शो करता है, ठीक है। नेम बॉक्स में क्या करेगा, सेल का एड्रेस शो करेगा। देखो मेरा पॉइंट है, सपोज यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा बी में, तो क्या हो जाता है B6 हो जाता है, और डी में सपोज सिलेक्ट करूँगा तो D5 हो गया, समझ में है ना। हाँ वो नेम बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स का नाम होता है, ये कौन सा एड्रेस। हाँ थैंक यू। ओके अभी हम स्टॉप करते हैं सेशन। ओके बाय ऑल ऑफ यू।